हेलो फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ ए जीपी हुज हु टर्म इज़ 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2 तो so, ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द जनरल टर्म ऑफ ए जीपी तो मैं जीपी को एज्यूम कर लेता हूं उसकी अगर मैं फर्स्ट टर्म अज्यूम करता हूँ ए और कॉमन रेशियो अगर आर है तो एनथ टर्म ऑफ जी हम लिखते हैं इस तरह से ए एन इक्वल टू ए आर एस टू पार एन माइनस तो ए मल्टीप्लाइड बाई आर एस टू पार एन माइनस ये फार्मूला है ए इज द फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन रेशियो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो अब यहाँ देखिए हमको निकालना है फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ ए जी तो जी ट्वेल्थ टर्म ऑफ जी हम कैसे लिखेंगे ए ट्वेल्व इजकल टू ए आर एज टू पावर ट्वेल्व माइनस वन मैंने क्या किया एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी सिंपली ट्वेल्व जब इस तरह से लिखा होता है ए ट्वेल्व इसका मतलब ट्वेल्थ टर्म की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो अब हमको क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन गिवन है हुज एट्थ टर्म इज़ वन तो एट्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे ए आर एस टू पावर एट माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी अब एट और ए एट हमको गिवन है इज़ वन नाइन्टी टू तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और मुझे अब पता है द कॉमन रेशियो इज़ टू तो मुझे आर की वैल्यू पता है टू तो अब मुझे क्या करना है ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये दोनों इक्वेशंस या ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो मुझे आर की वैल्यू पता है टू ठीक है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ट्वेल्थ टर्म मुझे निकालनी है तो मुझे सिर्फ ए की वैल्यू पता होनी चाहिए आर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन का यूज़ करूंगा जो क्वेश्चन में इनफॉमेशन केवन थी यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे हम टू तो ये आएगा वन नाइन्टी टू इज्कल टू ए मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू पावर सेवन ठीक है तो अब हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे टू रेज टू पावर सेवन से डिवाइड कर देंगे अगर आप टू रेज टू पावर सेवन इवेलुएट करेंगे तो वैल्यू आएगी वन ट्वेंटी एट इन फैक्ट इनको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा थ्री बाई टू तो अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू भी निकाल ली है आर की वैल्यू हमको पता ही थी ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको ट्वेल्थ टर्म ऑफ द जी पी मिल जाएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे थ्री बाई टू और आर की वैल्यू पुट करेंगे टू और ये पावर क्या आएगा ट्वेल्व माइनस वन इज इलेवन तो अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे है, 2 to power 11, ये टू रेस्ट टू पावर इलेवन ये डिवाइडेड बाई टू रेस्ट टू पावर वन टू रेस्ट टू पार वन से टूरेस्ट टू पावर इलेवन कैंसिल आउट हो जाएगा यह आएगा टू रेस्ट टू पावर टेन तो ट्वेल्थ टर्म आएगी हमारी थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू रेस्ट टू पावर टेन उसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू आएगी थ्री जीरो सेवन टू ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द जी पी Thank you so much for watching this video. Do like it and share it with your friends. You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.